हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। फ्रेंड, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। इस वॉलेटिलिटी में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर कैपिटल अगर आपके पास रहता है तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो जरूरी है कि आप डेली ट्रेड ले। हो सकता है किसी दिन अगर ट्रेड आप नहीं लेते हैं तो भी आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं, यानी कि नो ट्रेड भी ऑलवेज ट्रेड होता है। क्लियर। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। कल मार्केट कैसा बिहेव करेगा ये डिपेंड सबसे ज्यादा करता है न्यूज के ऊपर, ध्यान रखिएगा न्यूज के ऊपर। आज के डेट में मार्केट में क्या हो रहा है, कोई भी सपोर्ट से या रेजिस्टेंस कोई भी वर्क नहीं कर रहा, सारे नल एंड वर्ल्ड है, सब कुछ डिपेंड हो रहा है न्यूज पे। अगर मार्केट में अच्छा न्यूज आ गया तो बहुत बड़ा गैप अप होगा, अगर मार्केट में बैड न्यूज आया तो बहुत बड़ा गैप डाउन, जैसे आज के डेट में 400 पॉइंट तक का गैप डाउन हुआ। क्लियर। तो इस सिचुएशन में कोई भी लेवल्स आपके काम नहीं करेंगे, केवल एक ही काम करता है, या कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि मार्केट कहां से रिवर्स कर सकता है, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो। क्लियर। चलिए बात करते हैं कल मार्केट कैसे हमारा बिहेव करेगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो सिंपल सा आज की डेट का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डेली टाइम फ्रेम में ले चलते ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। क्लियर। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूअस गैप डाउन करते हुए जा रहा, और आज मेजर गैप डाउन हुआ। क्लियर। और ये एक लेवल था आपका 34,000 का, इस लेवल को मैसिवली ब्रेक करके सीधे आपका देखेंगे 32,300 तक आ गया, दैट मीन्स मोर देन 2,000 पॉइंट्स का आज रैली हुआ, गैप डाउन हुआ। क्लियर। तो इतना बड़ा गैप अप हुआ और ऊपर एक गैप अप बन गया है, गैप अप आपका जो गैप एक गैप है पेंडिंग बचा हुआ है। क्लियर। तो गैप अप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज बेस पे। क्लियर। तो इसको हम कैसे ट्रेड करना, ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। तो इसको कैसे ट्रेड करना, आप सिंपल आप ई लेवल्स को मार्क करके रख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आप देखेंगे ये हमारा पहले सपोर्ट जोन था जो अब बन गया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लास्ट जो सपोर्ट बनकर आ रहा है वो आपका 32,000 का लास्ट सपोर्ट आ रहा है। अब इसको अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो फिर तो आप तब नेक्स्ट लेवल आएगा, उसकी बात करेंगे बाद में, अगर इसको लेवल को ब्रेक करता है तो। ठीक है। अब चलिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, इसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा हो क्या रहा मार्केट में। आप शुरू के आवर्स तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट में जो आपका एनएससी की साइट की साइट से आपका डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा था, उसकी वजह से भी कोई भी लेवल्स अपडेट नहीं हो रहे थे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट भी किया था कि चार्ट्स जो हैंग लग रहे हैं, उसके बाद ही मार्केट में न्यूज भी आई कि हाँ चार्ट्स जो हैंग हो रहे हैं कुछ इशू की वजह से, जो भी एनएससी का इशू था उसकी वजह से बाद में आपका प्रॉपरली वर्क करने लगा। क्लियर। शाम के टाइप रिकवरी आएगा, रिकवरी में देखेंगे। अब ये लेवल जो है यहाँ पे मैंने कॉल भी बाय करने के लिए दिया था 33,000 की सी में, अपने प्रीमियम ग्रुप में बाय करने के लिए दिया था, क्योंकि आपकी ये जो आपके देखेंगे एक तरह से ट्विटर बॉटम टाइप की कैंडल यहाँ पे बने थे, फिर जहाँ से रिवर्सल हो सकता था, और ये एक लास्ट जो स्विंग लो था यहाँ से रिवर्स सपोर्ट मार्केट ने लिया। अब देखिए मार्केट ने गैप डाउन किया, ये गैप जो है फील्ड बचा हुआ, गैप जो है बचा हुआ है। क्लियर। मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता, अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप नहीं हुआ तो, अगर गैप डाउन हुआ गैप अप हुआ तो फिर तो कोई लेवल काम नहीं करेगा, लेकिन अगर गैप डाउन नहीं गैप नहीं हुआ और सिंपली जब इस लेवल को ब्रेक करता है, देखेंगे अब मार्केट जो है 33,000 के लेवल को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, और क्लोज भी 32,914 पे हुआ है। क्लियर। तो कल मार्केट जैसे 33,000 के लेवल को पार करता है, दैट मीन 33,050 के लेवल को पार करता है। क्लियर। देन आपकी शॉर्ट कवरिंग रैली आनी हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर कम से कम एटलीस्ट 1 आवर, ध्यान रखिए 1 आवर ट्रेड करेगा तब शॉर्ट कवरिंग आएगी, या शॉर्ट कवरिंग बहुत जबरदस्त आएगी, क्योंकि 33,000 की कॉल्स पे मोर देन 10 लाख आपके कॉल राइटर्स हैं। ध्यान रखिएगा पुट राइटर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें नहीं लग रहा कि मार्केट जो हमारा ऊपर जाएगा, कॉल राइटर्स हर लेवल पे कॉल को राइट करके बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि मार्केट जो है नीचे ही जाएगा, और प्रीमियम भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, इसीलिए बहुत एग्रेसिवली कॉल राइटर्स जो है कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो कल जब मार्केट इसके 33,050 के ऊपर निकलेगा तभी एक रैली बनती है जो आपको 33,200 और फिर नेक्स्ट जो आपका ये है 33,500 और फिर ये जो गैप जो बचा हुआ है यहाँ तक मार्केट 33,800-900 के आसपास मार्केट लेकर जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये जब मार्केट अगर हमारे इसके आसपास ओपन के ऊपर निकलता है तो, मीनवाइल अगर मार्केट हमारा गैप इसी के आसपास ओपन हो इधर कहीं ओपन होता है और फिर मार्केट रिवर्स लेता है नीचे के साइड में, तो नीचे के साइड में 32,400 आप मार्क करके रख लिए, जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सीधा लेवल बनता है आपका 32,000 का लेवल नेक्स्ट
आपका आता है, जहां तक मार्केट जो है शॉर्ट साइड में जा सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर तो आपका बहुत लंबा, बहुत ज्यादा मार्केट डाउन जाने वाला है, क्योंकि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ये होने वाला है। क्लियर? तो भाई आपका, आई होप आपको अंडरस्टैंड किया कैसे कल बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपली, अगर ट्रेड नहीं भी करते हैं तो केवल आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में कैसे बिहेव हो रहा है, उसके उस बिहेवियर के हिसाब से भी आप पोजीशंस अपनी बना सकते हैं। एक सजेशन और है कि मार्केट में बहुत देर तक अपनी पोजीशंस को होल्ड मत करिएगा, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को कैच करते रहिएगा, बुक करते रहिएगा, क्योंकि मार्केट में कब कौन सी न्यूज आ जाएगी हमको नहीं पता है, और जब वो न्यूज आएगी तो हमारा पोजीशन हमारे अगेंस्ट जाने में 1 मिनट में हमारा पूरा प्रॉफिट प्लस कैपिटल दोनों ही चला जाएगा। क्लियर? तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में, चलिए बात करते हैं निफ्टी के, निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी क्या हुआ, आप देखेंगे कि निफ्टी में भी आपका सीधा ये कब मॉर्निंग और छोड़ दीजिए, जिसमें मार्केट आपका नेसी डेटा फीड नहीं आ रहा था, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। दैट मीन्स ये गैप पूरा फिल्डिंग गैप जो है पूरा बचा हुआ है, ये फिल होना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आप देखेंगे शाम के टाइम पे क्या हुआ, मार्केट ने एक तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्स करने की कोशिश किया है। क्लियर? तो कल जो इंपॉर्टेंट लेवल है, कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, दैट मीन्स जो 16,000 का लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करके ट्रेड करता है थोड़ी देर तक, यानी कल आपका ट्यूजडे है तो एटलीस्ट 1 आवर तक ट्रेड करता है, देन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 16,200 तक लेकर जाएगी, यानी जो यहाँ तक लेकर जाएगी। इसके बाद जो, क्योंकि रेजिस्टेंस पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, तो यहाँ तक मार्केट ले, इसके बाद की मूव जो है उसके बाद डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ तक आपकी जा पाएगा। मीनवाइल अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, ध्यान रखिए अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, कोई नेगेटिव कैंडल्स बनाता है, तो सिंपली आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप 40 to 55 का स्टॉप लगा के डायरेक्टली इसको सेल प्लान कर सकते हैं, और जो जो सेल करेंगे आप 15,600 तक आपका टारगेट नीचे के साइड में मिल सकता है। ये पोजीशन तभी आपको काम करेंगे जब मार्केट हमारा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, अगर इन दोनों में होता है तो फ्री लेवल काम नहीं करेंगे। क्लियर? तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि इसने एक तरह डबल बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो लेट्स सी कल मॉर्निंग में क्या न्यूज आती है, कैसे ये ओपन होता है। क्लियर? अब चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक की, सबसे पहले बात करते हैं एचसीएल टेक की। टेक्नोलॉजी शेयर में काफी रन बना हुआ है, तो एचसीएल टेक बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने 11,050 का लेवल था, इसको मार्केट ने अच्छा खासा अच्छे से बीट किया है। तो कल मार्केट अगर इस लेवल को, कल आज से जो हाई है 1160, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और ट्रेड करने लगता है, देन आपका सिंपली आप बाय प्लान करेंगे, जो आपका ऐसा होगा 1150 आपका ऐसा होगा, देन आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका 1170 होना चाहिए और सेकंड टारगेट आपका 1187 होना चाहिए। ये लेवल्स आपके हैं जो कल आपको एसएल देखने को मिल जाएंगे। मेक श्योर आपको एसएल भी आपका सिस्टम में जरूर होना चाहिए, बिना एसएल कोई भी ट्रेड आप नहीं करेंगे। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि टाटा स्टील। टाटा स्टील जस्ट लाइक एसएल टेक काफी अच्छे लेवल पे है, इस लेवल पे आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट ने पीछे इस लेवल पर रिजेक्शन फेस किया है, तो यहाँ पर आप दोनों ही चीजें कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको कॉल बाय करना है तो बाय भी कर सकते हैं, सेल करना तो सेल भी करें, मतलब आपका देखेंगे टाटा स्टील बहुत ही अच्छे पोजीशन पे, दोनों साइड के कॉल मिल सकते हैं यहाँ पे है। अगर ये मार्केट 1301 को ब्रेक करता है तो सिंपली इसको बाय करेंगे, बाय करेंगे फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 1307 का, फर्स्ट टारगेट बनेगा, जो सेकंड टारगेट बनेगा आपका 3990 का सेकंड टारगेट होगा। अगर आप 1301 पे बाय करते हैं तो एसएल जो हमारा होगा जस्ट सिंपली 1290 हमारा एसएल होगा, 10 पॉइंट का एसएल होगा, और इसका रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हैं 1:1 ओवर 2 आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। वहीं पर बात करते हैं सेल साइड प्लान के, तो सेल साइड में अगर ये कल 1290 के लेवल को ब्रेक करता है तो सिंपली आपको सेल प्लान करेंगे, जो सेल प्लान करेंगे टारगेट जो आपका सेल का होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपका 1280 होना चाहिए और फिर आपका सेकंड टारगेट आपका 1273 का होना चाहिए। तो ये आपको कल दोनों ही साइड में ट्रेड मिल सकता है, डिपेंड करता है मार्केट ये हमारा ओपन कैसा होता है। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, दैट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को बहुत ही अच्छे लेवल पे ब्रेकआउट दिया, अगर आप देखेंगे हिंडाल्को मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने 16 से इसको अच्छे से ब्रेक किया है। तो इसको ट्रेड प्लान कैसे करना, कल ट्रेड प्लान बहुत ही आसान इसमें होने वाला है। कल अगर आपका हिंडाल्को जो है 1623 को मार्केट जैसे ब्रेक करता है, क्लियर, जैसे ब्रेक करता है आप 1615 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग कर सकते हैं, जो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए वो 1631 तक का टारगेट आपका होना चाहिए, और काफी अच्छे लेवल पे मार्केट में काफी डिमांड भी है, तो काफी अच्छा इसमें रन मिल सकता है, क्योंकि लास्ट में भी आप देखेंगे अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें आया है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपकी स्टडी पसंद आई होगी और आपको ऐसे कुछ हेल्प मिलेगा कल को ट्रेड में कैसे पैसे आप बना सकते हैं, तो इसके एक लाइक तो जरूर बनता है और जितना हो सके इस वीडियो को फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठाकर पैसे कमा सके। अभी तो हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की लर्निंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलता है अगले वीडियो में, एनालिसिस। बुरा वीडियो देखने के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।